सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो दिल्ली का क्या टूर था अपना ख़त्म हो गया और हम लोग निकले हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे बोलूँ? हरिद्वार, देहरादून। देहरादून चल रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब अभी देर से सब पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं कि ट्रिप जब हमारा ट्रिप था सॉरी ट्रिप था थोड़ा सा इसके डे बढ़ गए तो हम लोग दिल्ली का ख़त्म हुए, अब चल रहे हैं हरिद्वार। अब हरिद्वार भी सोचे घूम ही लें, अब हर जगह घूम ही रहे तो कुछ बचे ना, तो इसलिए लोग निकल गए। पैकिंग वैकिंग होगी भाई, दिल्ली में इतना कुछ देख लिया, अब चाहिए धार्मिक धार्मिक चीज़ धार्मिक चीज़। ये अपना बैग वग सब रेडी है और यहाँ से सीधा निकलते हैं और मेट्रो पे, मेट्रो से फिर सीधा चलेंगे कहाँ पे, जहाँ बस मिलती है, कि हम लोग को मतलब कम खर्चे में कैसे घूम सकते हैं इंडिया, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं कम पैसे में कैसे घूम सकते हैं। कम पैसे मतलब ठीक है लग रहा है लेकिन ठीक है, बाकी घूमते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से मेट्रो में, फिर चलते हैं, बाकी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जय श्री राम। तो निकल भाई हम लोग एक और ट्रैवलिंग ब्लॉग चालू हुए, तो निकल चुके हैं यहाँ से हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार का टिकट ले लिया है, एक टिकट 366 रुपये के और दो 730 रुपये के, 2 रुपये ज़्यादा ही ले रहे हैं इन लोग। तो रोडवेज बस पकड़ के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैसा कम खर्च करना है और घूमना ज़्यादा है, वहाँ खर्च करना है, राफ्टिंग वुफ्टिंग करनी है अगर इसी के चले गए तो। अभी देखते हैं, पहले चलते हैं हरिद्वार, वहाँ पहाड़ ओढ़ थोड़ा बहुत घूमते टहलते हैं, अपनी जर्नी शुरू होती है भाई उत्तराखंड की। और देखिए बस में कहाँ बैठे हैं, तो अभी चलते हैं, 5.5 घंटा लगेगा अप्रॉक्स। तो अभी चलते हैं यहाँ से, आगे चलते हैं। तो भाई उतर गए हम लोग यहाँ पे, क्या कहते हैं बस वाले का थोड़ा कमीशन वमीशन वाला सेट रहता है ना सीन, कि कमीशन वमीशन मिलता है, तो लोग बस लाके ढाबा पर रोक देंगे कि खाओ, तो लोग कमीशन मिलता है। तभी ढाबा भी रुकी है और बारिश हो रही है, व्यू काफ़ी सही आ रहा है, काफ़ी सही व्यू आ रहा है यहाँ से। और बस जल्दी से फटाक से पहुँच जाए भाई, बहुत थक गए हैं, ये तो बस इतना कुराती है ना, समझ नहीं आ रहा। अभी चलते हैं डायरेक्ट। क्या हो गया? ये भाई यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, ये यूनिवर्सिटी है पतंजलि का जो अपना मेन है उत्तराखंड में। ये ग्रीनरी देख रहा भाई, एकदम हरा भरा, ये देखने के लिए तो बिल्डिंगों में से उठ के इतना शानदार जगह है, मज़ा आ रहा है। तेरी भाई कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ, बिल्कुल तो सही लग रहा है, इतना सही लग रहा है ना, क्या बताएं। और आप पीछे देखिए थोड़े थोड़े पहाड़ी दिख रहे होंगे छोटे छोटे, अब दिखे हैं, अब दिखे। अब देखो भाई, अब तो मस्त दिख रहा है, मैं सही लग रहा है। विमल बोलो की बात की सही, निकल गए हम लोग श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, भाई सारे धाम हैं जी। हरिद्वार कितना सही लग रहा है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये सनरूफ है भाई, ये भाई कहाँ आ गए, नज़ारा बहुत सही लग रहा है, बहुत नज़ारा है यहाँ का। ये भाई क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया।
चंडी घाट पहाड़ों का मजा लीजिए आप खुद से पहाड़ों का। आर्मी सल्यूट। हर हर महादेव महादेव महादेव। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो सबकी। इधर देखिए सब छोटे छोटे गाँव है। भाई ऊपर मंदिर है कि घर है उसके अंदर से दिखाते हैं। हाथी आगमन होने के कारण रास्ता बंद है। ठीक है। जय माता दी जय माता दी। आपकी नगरी में आ गए। ये नज़ारा देखो देखो भाई देखो और शर्म करो यहाँ घूमने नहीं आए हो। आओ ऐसे नज़ारे मिस नहीं करते। तो भाई ये सब नज़ारा देखते हुए हम लोग जा रहे हैं सीधा दीदी के रूम पे। नज़ारा देखते रहिए और हम लोग यहाँ से ढाई घंटे की दूरी है रास्ता। हम लोग पूरा रास्ता आपको दिखाते हुए चले। देख रहे भाई जंगलों के बीच सीधा जा रहा है। आनंद ही आनंद है दोनों तरफ भाई। नेचर है और नेचर के बीच में खूबसूरती है। हम तो अभी चल दिए हैं सीधा राह पे अपने चले दीदी के। और ये देखिए व्यू देखिए बस क्या बात है। कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ सिर्फ दिखा पा रहा हूँ यार। ड्राइवर अपना ऐसा चला रहा है ना जैसे कि क्या ही बताएं जैसे गेम खेल रहा हो। इतना तेज सन सन मुड़ा रहा है क्या बताएं। मज़ा तो गुरु आ रहा है लेकिन मज़ा तो भरपूर आ रहा है पैसा वसूल है। खुदा ही डालोगे क्या रास्ता देखो मेरी कैसा है। समझ नहीं आ रहे रास्ते में हम हैं कि हमने रास्ता है। ऐसे जंगल में कैसा ही रोड होता है ऐसे ही होगा मिट्टी का है। अबे पेड़ चुरा रही है क्या। कैसे आ रहा कार वाला। तो हम लोग को इसी रास्ते से जाना है। जैसे लग रहा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं वो भी बस से। बताओ इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ बस से। तो ड्राइवर अलग है हम बैठे हैं। कुछ तो ऑफ रोडिंग हो रहा है। ये देखो रास्ता कैसे अभी आगे से जाके टर्न है। यहाँ बाइक की लाइट दिख रही है अभी घर जाना है। अच्छा हम लोग का तो ठीक है मान लो एक बार आ रहे हैं फिर एक बार इसी रास्ते से वापस जाना। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं जिनका डेली अप डाउन है वो कैसे रहते होंगे उनका तो क्या बोले। पूरा पूरा ऑफ रोडिंग चल रहा है बाबा अपना पूरा ऑफ रोड चल रहा है।
करो आ रही हूँ। भगवान इन रास्ते से जल्दी पार करा दीजिए। यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा माउंटेन का, पहाड़ों का। कुछ तो रास्ता सही आया, ड्राइवर साथ में आओ और बोलो। हम लोग सिटी बाहर निकलेंगे। आपको मतलब सीन ऐसा था कि हम लोग सुबह निकल गए थे अप्रॉक्स 9:30 बजे, मतलब 9 बजे घर छोड़ दिए थे, मतलब घर से निकल गए थे। और घर से निकले हम लोग फिर 10:30 बजे, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, कश्मीरी गेट पहुँच गए। 10:30 बजे हम लोग की बस निकल गई कश्मीरी गेट से, और टिकट प्राइस था 364 एक लोग का और 730 रुपये 730 दो लोग का था। तो हम गोलू भाई चले थे वहाँ से, और वहाँ से आए सीधा हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुँचे तो हम लोग का क्या सीन था कि हम लोग को पता था कि हरिद्वार ही हम लोग को रुकना है, बट हम लोग का मतलब दीदी रहती है यहाँ पे, तो हम लोग को लगा दीदी हरिद्वार में ही रहती हैं, लेकिन दीदी वहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता और दूर है। तो वहाँ फिर हम लोग हरिद्वार पहुँचे, वहाँ से फिर बस चेंज किया, फिर उसके बाद वहाँ से फिर डायरेक्ट अभी जहाँ दीदी रहती है वहाँ पर हम लोग आए हैं, और काफ़ी रात हो गई है, थक भी चुके हैं। तो वहाँ से आने का टिकट था 120 रुपये एक लोग का, ऐसा था मतलब हरिद्वार से यहाँ पे। और यहाँ का क्या नाम था, कोटा, क्या था बोलूँ, कोटा ऐसा था कुछ। तो वहाँ से भी हम लोग यहाँ कोटद्वार, हाँ कोटद्वार, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी कोटद्वार अभी आज रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर सुबह का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, राफ्टिंग वाफ्टिंग करेंगे। भले वहाँ ऋषिकेश चल के देखेंगे कि वहाँ का सीन क्या है, राफ्टिंग का टाइमिंग क्या है, क्या नहीं है, वहाँ पे कितने बजे चालू होता है, क्या करता है, कैसे होता है, कितने पैसे लगते हैं। तो वो ऋषिकेश का जो हमारा एक ब्लॉग होगा प्रॉपर अलग होगा, वो चीज़ जो हमारा ब्लॉग है ऋषिकेश का प्रॉपर अलग होगा। और इसको आप देखें कितने जंगल में से, इतना खतरनाक रोड था, टूटा फूटा से जंगल के बीचों में से ऐसे ऐसे जा रहा है। तो मज़ा आया रास्ते का, मज़ा आपको भी दिलाया, क्योंकि रास्ते में कुछ बोल नहीं पाते, कि बस इतना कूद रही थी कि बस आप लोगों को दिखाया, इतना अच्छा लगा। उत्तराखंड में तो काफ़ी जंगल है, और दिल्ली से हम लोग आए थे, दिल्ली में चारों तरफ बिल्डिंग है, तो यहाँ पे इतनी शांति है यहाँ पे कि क्या बताएं। दिल्ली में इतना वो है कि बिल्डिंग चारों तरफ, फॉरन मेट्रो ये वो फलान निकान सब है, और यहाँ का क्या सीन है कि कुछ नहीं है, एकदम शांति है। पीछे पहाड़ है, थोड़ी सी लाइट दिख रही है, बाकी यहाँ पे इतनी शांति है, इतना सुकून है। तो अभी हम लोग कैसे ना भी रात में आराम करेंगे, बहुत थक गए हैं हम लोग। कितना चले गोलू आज, 8-8.5 घंटे हम लोग ट्रैवल किए हैं, बस सिर्फ 8-8.5 घंटे ट्रैवल किए हैं, पूरा थक गए हैं, पैर में चोट भी लग गई है गोलू भाई को भी, हमको भी। और अपना ब्लॉग यहीं तक का था, ट्रैवलिंग कैसा लगा आपको दिखाइएगा, और उत्तराखंड रास्ते कैसे लगे आपको, हरिद्वार से यहाँ तक कैसे लगे जंगल, वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऋषिकेश के ब्लॉग में आप बने रहिएगा, ऋषिकेश का ब्लॉग अलग आएगा, प्रॉपर अलग आएगा, उसमें और मज़ा आएगा, क्योंकि दीदी लोग भी साथ रहेंगी हमारे, तो और मज़ा आएगा। तो कल राफ्टिंग वाफ्टिंग करते हैं, अगर राफ्टिंग मतलब करेंगे क्या, प्रॉपर क्या सीन है उसका बताएंगे। तो बोलते हैं जैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं। गोलू भाई का फ़ोन आ गया, चलिए।